13.10 रोकथाम एवं उपचार प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब तक की जानकारी के आधार पर यह समझ बनती है कि संक्रामक रोग के उपचार के दो उपाय हो सकते हैं। पहला, रोग के प्रभाव को कम करके। दूसरा, रोग के कारक को नष्ट करके। उपचार का पहला तरीका यह है कि रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है। दवा लेने के पश्चात रोगी को आराम करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर की ऊर्जा संरक्षित हो जाए, जो स्वस्थ रहने में सहायक है। परंतु इस लक्षण आधारित उपचार से केवल लक्षण दब जाते हैं और संभावना रहती है कि कुछ समय पश्चात पुनः हमें रोग के लक्षण दिखाई दें। जैसे किसी संक्रमण से हमें बुखार आ रहा है, बुखार की कोई दवा लेने से बुखार ठीक तो हो जाता है, परंतु संक्रामक रोग का कारक सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं हो पाता और कुछ दिनों के अंतराल में पुनः बुखार आ जाता है। दूसरे तरीकों के कारक, जीवाणु, विषाणु, कवक आदि को कैसे पहचाने, इसके लिए जांच की आवश्यकता पड़ती है। इनकी पहचान कर लेने के पश्चात उपयुक्त दवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रक्त की जांच के पश्चात ज्ञात हो जाता है कि मलेरिया का बुखार है, तो मलेरिया के लिए नियमित दवा नियमित रूप से तथा निश्चित अवधि तक अर्थात पूरा डोज लेना चाहिए, जिससे मलेरिया के कारक नष्ट हो जाएं।